ये है दिल्ली दर्पण। पार्षद तो ऐसी हो गई हमारे यहाँ पे, उसको जीतने के बाद में अपने घर से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर लोगों को मार दिया इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल। और इस वक्त हम मौजूद है जय जय कॉलोनी के एल ब्लॉक में और आप देख सकते हैं कि एक पार्क के अंदर हम मौजूद है और बदहाली मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से बदहाली यहाँ पर हो रखी। गंदगी इतनी है निगम पार्षद के होते हुए भी, और झूले भी लगा दिए गए जो अब टूट चुके हैं बुरी तरह से। और पार्क में जिस तरह से लोग आते थे घूमने पर, अब पूरी तरह से यहाँ पे बदहाली मची हुई है। हर जगह आप दूर दूर तक देखेंगे तो गंदगी ही दिखेगी। यहाँ के निगम पार्षद नीतू आज़ाद जी है, आम आदमी पार्टी से। कई बार होता है कि निगम पार्षद ना हो तो ये सब होना अनिवार्य होता है, पर निगम पार्षद भी है उसके बाद भी इस तरह की गंदगी एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि निगम पार्षद कभी आते हैं या नहीं, कभी जनता से मिलते हैं या नहीं। मेरे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कब से पार्क में ऐसी बदहाली मची? पार्क में जी जब कोई शादी ब्याह होता ना, फंक्शन होता, हम खुद 100-100 रुपए दे के सारे चारों तरफ के लोग पैसे दे के जब पार्क की सफाई करवाते हैं। पार्क में कोई सफाई करने वाला नहीं आता। नहीं, वो तो कभी आती नहीं, उसको तो देखा ही नहीं हमने, वो कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। जैसे कोई गुजर जाता जब भी नहीं आती वो। अच्छा, नहीं आती? नहीं, वो नहीं आती। अभी बताया कई लोगों ने कि सीवर भी भरे हुए हैं, काफी समय सीवर भरे पड़े हैं जी। झाड़ू वाला आता है लेकिन झाड़ू लगा जाता है, वो कूड़ा उठा के ले जाता है, झाड़ू हम खुद लगा लेते हैं। अच्छा, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर सफाई के लिए आते हैं वो अलग से हमसे पैसे लेते हैं। कितने लेते हैं? वो 100-100 रुपए मिला या 50-50 रुपए मिला, जितने भी सीवर वाले भी आए हैं ना। अच्छा। लाओ 50-50 रुपए दो। अच्छा। ये सारे SI जितने भी होते हैं ना उसमें बांट देते हैं ये। अच्छा। क्योंकि वो फ्री में आता ही नहीं है, अगर हम बुलाएंगे ना पर्सनल तो वो हमारे से पैसे मांगते हैं भाई। पैसे मांगते हैं, चाहे सफाई पार्क की हो चाहे वो सीवर की हो। कितने दिन हो गए हैं सीवर की सफाई हुई है? पार्क की सफाई हुई तो 1.5 महीने पहले हुआ था, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई। बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून भी आ रहा है तो भर जाते हैं सीवर भर जाते हैं। अगर हम अभी कंप्लेन करके आते तो पैसे मांगेंगे। हाँ, पैसे मांगते हैं। अभिषेक जी के पास या नीतू आज़ाद जी के पास? हम गए थे, उन्होंने 3-4 दिन पहले भी गए थे और हम सब मिलकर गए थे, परसों भी गए थे। पर डे बल्कि फोन भी आया, उन्होंने बोला आधे घंटे में फेंक भेज रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। नीतू आज़ाद तो आती ही नहीं है, अभी तक आई नहीं है, वो तो एंट्री नहीं मारती, वो इलेक्शन पे आती है बस, एक बार भी नहीं आई। अभिषेक ने मुझे बोला था मैं भी साथ आऊंगा, जितने भी सफाई वाले आएंगे मैं साथ आऊंगा, लेकिन अभी तक तो ना सफाई वाले आए ना ही वो अभिषेक आए। ये हरिशंकर गुप्ता ने ये लगवाई थी इसकी स्ट्रीट लाइट, ये जो है इसकी, ये क्या कहते हैं इसको, हैलोजन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये लगवाई थी हरिशंकर गुप्ता ने। बस उसके बाद इस पार्क का कोई काम नहीं हुआ। निगम पार्षद जी कभी नहीं आते? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। ये देख रहे हो ना, पार्षद आए तो ये काम ना हो। पार्षद के पास कभी कंप्लेंट लेकर नहीं, क्योंकि आपने बनाया। पार्षद के पास क्या, हमने तो उसके MLA के पास भी भेज रखी इस पार्क की पूरी रिपोर्ट। MLA से पूछो आप, राजेश गुप्ता से जाकर, कि जो है वो सदा जी का लड़का, वो उसने जो तुम्हारे पास भेजी होगी इसकी आज भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, बस आते हैं 2-3 माली, वो कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास 20 पार्क है, 3 माली हम क्या क्या करें। वो आते हैं, वो अपने खपच्ची से चला के चले जाते हैं बस। जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है 10-10 दिन में एक बार आते हैं, वहाँ पर जाकर इनके उनको बोलना पड़ता है, दरोगा को बोलना पड़ता है, अच्छा मैं सरदार जी करवाता हूँ बस, कोई सुनवाई नहीं। नहीं मैडम, यहाँ कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं, चुकों पे गलियों में कोई नहीं सफाई हो रही मैडम, कुछ नहीं हो रहा। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है आपको, आप लोग यहाँ पर आए हैं, अभी आप देख रहे हैं कि इस पार्क की व्यवस्था क्या है, गंदगी कितनी है। और हमारे इस पार्क के जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है अभी, और टीम बना के बच्चे देखो क्यारी अपने हाथ से बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके। ये सारे ये बच्चे जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं, तिपट्टी है, सब आपको दिख रही है। एक चीज़ ये पानी का जो ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल नया लगा था, आज तक हमने चलता हुआ नहीं देखा। इसका कूपन चार्ज होता है तो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कौन उसको कूपन चार्ज होता है, इसका नियम है कि जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो इसके जो मीटर का जो है ना कूपन चार्ज करते हैं। अच्छा। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर चौधरी जो होगा ना वो, या उसका ऐसा होगा, वो फिर चार्ज कराएगा इसको। अच्छा। ये समस्या है, बाकी तो कोई आपको सारा दिख रहा है। समस्याओं का भंडार है मैडम, बहुत बड़ा भंडार है। और पानी की समस्या तो यहाँ पर इतनी गंभीर है कि सीवर का पानी, मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, मैंने अभी फेसबुक पर लाइव करा अपना, मतलब इतना गंदा पानी है कि आप उसको पीने के तो दूर की बात आप सूंघ नहीं सकते। और अभी मैं आपको गली गली में घुमाता हूँ, महिलाएं हैं ना बिल्कुल तैयार बैठी हैं, चप्पल जूते लेके बिल्कुल तैयार बैठी हैं, अगर हिम्मत आए इनमें तो आके देखे क्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं कि
इस बार जब चुनाव आने वाले हैं कुछ और ही होने वाला है। इन्होंने बोला कि महिलाएं बिल्कुल तैयार बैठी है अपना रोष दिखाने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो दावे दिल्ली सरकार लेकर आई थी कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, सफाई की व्यवस्था देंगे, चाहे वो निगम पार्षद के अंदर हो, चाहे वो MLA के अंदर हो, वो जो दावे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, कुछ और ही यहाँ पर बयां करती दिख रही है। अब देखते हैं कि कब इन लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर